पीएम मोदी इटली से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। मोदी की इटली में बाइडेन, सुनाक, मैक्रो समेत कई नेताओं से हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं के लिए मिलकर बेहतर दुनिया का निर्माण करेंगे। पीएम मोदी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। इटली में G20 समिट के दौरान बाइडेन से हुई मुलाकात के बारे में उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करना हमेशा सुखद होता है। भारत और अमेरिका विश्व की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। वहीं कनाडा के पीएम ट्रूडो से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा पोप फ्रांसिस से हालचाल पूछा और गले मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। और वहीं पीएम मोदी ने G7 के आउटरीच सेशन में भारत के चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत के लोगों ने इस ऐतिहासिक विजय के रूप में जो अपना आशीर्वाद दिया है वो लोकतंत्र की विजय है। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार मुझे सेवा करने का मौका दिया है। भारत में पिछले 6 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है। भारत के लोगों ने इस ऐतिहासिक विजय के रूप में जो अपना आशीर्वाद दिया है वो लोकतंत्र की विजय है, पूरे लोकतांत्रिक विश्व की विजय है। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प है। हमारा कमिटमेंट है कि समाज का कोई भी वर्ग देश की विकास यात्रा में पीछे न छूटे। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। G7 में पीएम मोदी ने कहा है कि 2070 तक भारत नेट जीरो के तय लक्ष्य को पाने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा, ग्रीन ERA बनाने के लिए मिलकर प्रयास जरूरी है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत का दृष्टिकोण अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। हम 2070 तक नेट जीरो के तय लक्ष्य को पाने के अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय को ग्रीन एरा बनाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट की शुरुआत की है। इस मिशन पर आगे बढ़ते हुए 5 जून पर्यावरण दिवस पर मैंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। इटली में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों नेताओं के बीच होराइजन 2047 और भारत प्रशांत रोडमैप पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों देश मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान देने के साथ रणनीतिक क्षेत्र में रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए। इस दौरान रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक पहल और जन भागीदारी को बढ़ाने में सहयोग पर भी बात हुई। इसके अलावा 2025 में फ्रांस में आयोजित होने वाले AI सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच बैठक में फ्री ट्रेड, रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बैठक काफी सार्थक रही। बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन और FTA यानी मुक्त व्यापार एग्रीमेंट के बारे में प्रगति को लेकर भी चर्चा हुई। सुनक और मोदी की पिछली मुलाकात पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। तब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार एग्रीमेंट की बातचीत को तेज करने पर सहमति बनी थी। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, AI और महत्वपूर्ण खनिजों में वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार पर सहमति जताई गई। वार्ता के दौरान मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय इतालवी अभियान में भारतीय सेना के योगदान को मान्यता देने के लिए इटली सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि भारत इटली के मोंटोन में यशवंत घाड़गे स्मारक को भी विकसित करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में जापान के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात उन्होंने जापान के पीएम के साथ बैठक में कही।
मोदी और किशिदा की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किशिदा ने मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भारत और जापान के बीच रिश्तों को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत जापान कई प्रोजेक्ट पर साझा काम कर रहे हैं, इनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। जापान के 5 ट्रिलियन येन के भारत में इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य की भी समीक्षा इस बैठक में की गई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई।